स्वागत है। खबर चित्रकूट से है, जहां भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी के जिला मंत्री व समाज सेवी रामबाबू गुप्ता ने कोरोना संकट काल के दौरान 45 दिनों तक लगातार बंदरों और गौवंशों की सेवा का संकल्प लिया था। डेढ़ महीने का संकल्प पूरा होने पर कामतगिरी प्रमुख द्वारा के महंत मदन गोपाल दास महाराज के नेतृत्व एवं भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे की मौजूदगी में केले और चने का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पूरे कामतगिरी परिक्रमा मार्ग में मंदिरों और गौवंशों की भूख मिटाई गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जैसा निर्देशित किया था कि सेवा ही संगठन है, सेवा ही संगठन है के माध्यम से हम सब लोगों ने पिछली बार जब कोरोना काल आया और आपत्तिकाल वो आया तो उस समय सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ किया। हमारे जिले के मंत्री हैं रामबाबू गुप्ता जी, परिक्रमा मार्ग में उन्होंने उस समय जब यहाँ की स्थिति देखी कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं और कामतगिर के किनारे बैठे रहते थे, परिक्रमा करने लोग नहीं आ पा रहे थे, तो उस काम को हम लोगों से योजना बनी और उस काम को करना प्रारंभ किया। उनकी सेवा, उनके साथ बंदरों की सेवा, गायों की सेवा, संत समाज की सेवा में उस समय पूरा काम किया गया। राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में कामतगिरी परिक्रमा मार्ग में बंदरों की सेवा, गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, भिक्षुकों की सेवा, ऐसा पावन संकल्प लिया था राम बाबू गुप्ता जी ने, जो कि नित्य ही आज लगभग डेढ़ माह हो चुका है और आज इसका समापन भी है, जिस समापन में हम सारे लोग हैं, इनके साथ में परिक्रमा भी की है, बंदरों की सेवा की है। सेवा संगठन के माध्यम से इन लोगों ने लगातार लॉकडाउन में पूर्व में भी सेवा की है।